मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम परिषद की बैठक एजेंट के 7 बिंदुओं को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद स्थगन प्रस्ताव ले आए, जिसमें सड़क, पानी, बिजली और सीवर का मुद्दा गरमाया रहा। लगभग 3 घंटे की नगर निगम परिषद की बैठक के दौरान 2 घंटे तक स्थगन प्रस्तावों पर जमकर हंगामा होता रहा। परिषद को 1-2 बार स्थगित भी करना पड़ा, जिसके बाद एजेंट के 7 बिंदुओं पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन उसमें भी जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान 4 बिंदुओं पर ही आज बहस हो सकी, जिसमें सबसे अहम और बड़ा मुद्दा पार्षद, मेयर और सभापति की मौलिक निधि बढ़ाने का रहा। चर्चा के बाद पार्षदों की मौलिक निधि 45 लाख रुपए कर दी गई, तो वहीं महापौर और सभापति की 5 करोड़ मौलिक निधि के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार सभापति से निवेदन किया गया, नगर निगम की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में मौलिक निधि ज्यादा नहीं बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर बढ़ा भी दी जाती है तो इसे शासन स्तर पर रोक की ही बदनामी होगी। लेकिन बहुमत के आधार पर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों की मौलिक निधि को बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। उसमें कोई महापौर, पार्षद और सभापति की निधि नहीं रखी गई थी, और उसमें जो बजट पास किया गया वो बजट जो महापौर पार्षद के समय होता है उससे काफ़ी कम था, लेकिन चुनाव होने के बाद पार्षदों को मौलिक निधि दी जाती है। उसके लिए जब चर्चा की गई और बैठक बताया किसी दूसरे मद से, किसी हेड से परिवर्तन कर मौलिक निधि रखी जाए, तो बजट कम होने के कारण जो निधि कम रखी गई थी तो काफ़ी हमारे साथी पार्षद और हैं उनका कहना था कि पूरी रखी आयुक्त महोदय का प्रस्ताव आया था कि चूँकि 6 माह निकल गए हैं तो 50% मौलिक निधि पार्षदों की, 50% अध्यक्ष निधि और 50% महापौर निधि की जाए, लेकिन सदन में जब विचार विमर्श हुआ, सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, तो उनका ये कहना था कि बाट तो पूरी ही है, रोड तो पूरी बनना है, 6 महीने निकल गए तो रोड तो आधी नहीं बनेगी, और महंगाई भी है, GST वगैरह जुड़ने लगा है, तो इतनी कम राशि में विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि की स्वीकृति दी गई।